ठिकानों पर दबिश दी है। वहीं गुड्डू मुस्लिम के कई ठिकानों पर एसटीएफ का छापा। तो घटना के पहले गुड्डू की लोकेशन लखनऊ में थी, तो 12 ठिकानों पर गुड्डू मुस्लिम का लोकेशन मिली। तो गुड्डू के करीबी से एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है, तो तमाम जगह की लोकेशन मिली है और उसी के आधार पर जहां जहां पर लोकेशन मिल रही है गुड्डू मुस्लिम को लेकर के, और दबिश एसटीएफ की लगातार जारी है। तो गुड्डू के करीबी से एसटीएफ पूछताछ कर रही है, तो पूछताछ का सिलसिला भी लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड के लिए शूटर्स के लिए दबिश लगातार जारी है और इसी कड़ी में एसटीएफ ने लखनऊ में कई ठिकानों पर दबिश दी है। तो कुछ क्लूज भी मिले हैं जिनके आधार पर अब पुलिस की जांच लगातार जो है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। घटना के पहले गुड्डू की लोकेशन लखनऊ में थी और इसके अलावा अन्य 12 ठिकानों पर गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिली है। और इस मामले में इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी संजय चौहान जुड़ गए। संजय चौहान, लखनऊ के साथ साथ 12 ठिकानों पर लोकेशन मिली है, किस तरीके से दबिश जारी है वहां पर जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं कि प्रयागराज हत्याकांड कहीं ना कहीं सरकार की और पुलिस पर सवाल या निशान बन गया था और सियासत का केंद्र बन गया है। तो ऐसे में पुलिस की और प्रयागराज की पुलिस और एसटीएफ जो गठित की गई है, 10 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। 12 ठिकानों से भी ज़्यादा लखनऊ समेत के तमाम जनपदों में जो छापेमारी है वो चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम का जो पाया जाने की लोकेशन पाई गई है, उस लोकेशन को कहीं ना कहीं चैन मिलाते हुए एसटीएफ पूरी कार्रवाई को अंजाम देने का प्रयास कर रही है और कड़ी से कड़ी मिलाकर के उन तमाम हत्यारों के करीब पहुंचने का प्रयास कर रही है और एक्सरसाइज कर रही है जिन्होंने जिस तरीके से मुख्य गवाह को की हत्या की, उसके साथ ही साथ उनके जो दो गनर थे उसकी भी हत्या हुई, एक की ऑन स्पॉट हुई और एक की परसों इलाज के दौरान पीजीआई में मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं तेरे हत्याकांड ने पूरे यूपी की सियासत को हिला दिया है और पुलिसिया कार्रवाई पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहे थे, लेकिन एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। उन तमाम आरोपियों को संरक्षण देने वाले और उनको आर्थिक मदद करने वाले, तमाम एंगल से जो उनको मदद करने वाले लोग थे, उनकी भी तलाश जारी है। आलोक, नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय चौहान इस जानकारी के लिए। अगली खबर श्रावस्ती से, जहां पर पिता पुत्र की संदिग्ध हालात में मौत हुई।